दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 26 दिसंबर 2018 बुधवार, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की न्यूज लेके आए हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए वैकेंसीज है। जनवरी 2019 के ये बड़े फॉर्म्स है, इनको जल्दी से भर दीजिए। सभी की अंतिम तिथि जनवरी 2019 ही तय की गई है। 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है, सभी की लास्ट डेट अलग है, जो कि हम पूरी जानकारी वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या पोस्ट इसमें निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या आपको आवेदन शुल्क जमा करना है, कैसे इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सिंपल इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अलग अलग 6 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन इन भर्तियों पर एप्लीकेशन मंगाए गए हैं योग्य कैंडिडेट्स के द्वारा। एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की न्यूज लेके आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट निकली है, अलग अलग इनकी सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसीज है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर इसमें पोस्ट है। टोटल 16 वैकेंसीज इस भर्ती के अंतर्गत निकली है। 65,000 रुपए सैलरी पर मंथ के लिए इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। बीई बीटेक और डिप्लोमा धारक इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु इसमें 40 वर्ष है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो न्यू दिल्ली है। इंडिया में आप कहीं से भी इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। जनरल या OBC कैटेगरी को ₹100 आवेदन शुल्क जमा कराना है। SC ST PWD EX सर्विसमैन को इस भर्ती पर आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। फीस आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन की बात की जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग या इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्जाम के। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। PFCIndia.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल से ही आप सिंपली स्टेप वाइज अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट इस भर्ती पर लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 जनवरी 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन में, ब्लॉक मिशन मैनेजर, अकाउंटेंट असिस्टेंट और भी बहुत सारे पद इसमें निकले हैं, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो। टोटल 1615 वैकेंसी जिसमें निकली है। बात की जाए सैलरी की, यहाँ पर आप देख सकते हो 75,000 से 1,00,000 और 25,000 से 45,000 बड़ी सैलरी निकलने वाली है। बड़ी भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सुनहरा अवसर है, आप जल्दी से इस पर अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BE BTech CA MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक इन पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दी जाएगी। मैक्सिमम आयु 40 और 50 वर्ष है। यहाँ पर आप जॉब लोकेशन देख सकते हो, उत्तर प्रदेश UP में आप यहाँ पर देख सकते हो जॉब लोकेशन है। इंडिया में कहीं से भी आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो प्लस पॉइंट है, आपको इसमें फीस भी जमा नहीं करनी है। रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर पोर्टल देख सकते हो, जिस पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है वो है यहाँ पर देख सकते हो seeds.co.in/UPSRLM UPSRLM रिक्रूटमेंट ये निकली है। यहाँ पर डेट देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 जनवरी 2019 है। एग्जाम डेट इसकी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। बात की जाए थर्ड नंबर जॉब की, वो निकली है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में। ये भी भर्ती उत्तर प्रदेश में ही निकली है। मेडिकल सेक्टर में जो करियर बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में, उनके लिए सुनहरा अवसर है, बड़ा मौका है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो डाइटिशियन, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मेसिस्ट, एलोपैथिक, फिजियोथेरेपिस्ट और स्टाफ नर्स के लिए इसमें भर्तियां निकली है। टोटल 262 वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से 69,100 और 25,500 से 81,100, 29,200 से 92,300, 35,400 से 1,12,400 और 44,900 से
142,400 यहाँ पर सैलरी पर मंथ के लिए पोस्ट वाइज अलग अलग प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु इसमें 32 इयर्स है। यहाँ पर मैक्सिमम आयु जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए यहाँ पर 37 है। ओबीसी कैंडिडेट्स को इसमें 3 साल की छूट मिल जाएगी, एससी एसटी को 5 साल की, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट इसमें दी जाएगी। जॉब लोकेशन देख सकते हो, उत्तर प्रदेश यूपी में है। इंडिया में आप इस भर्ती पर कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। बात अगर फीस की जाए तो ₹500 आपको इसमें आवेदन शुल्क जमा कराना है। ₹250 रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। ऑनलाइन आप इस पर शुल्क जमा करा सकते हो डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से। ओनली रिटर्न एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर पोर्टल दिया गया है isic.nic.in और isicuttarpradesh.org। इस पोर्टल से आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आप पोर्टल देख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर डेट यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 जनवरी 2019 है। नोटिफिकेशन भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। बात अगर फोर्थ नंबर जॉब की जाए, हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड में भर्ती निकली है। सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के लिए भर्ती निकली है। 17 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो, ₹33,000 यहाँ पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बीटेक धारक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु 35 वर्ष है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में है। इंडिया में आप कहीं से भी इस पर आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती पर भी आपको आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है। इसमें भी बिना किसी एग्जाम, ओनली इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका चयन होगा। ऑफलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट दी गई है hindprep.in। इस पोर्टल से आप ऑफलाइन इसका आवेदन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 24 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जनवरी 2019 है। इंटरव्यू की डेट भी अभी इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। यहाँ पर देख सकते हो सीनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर और भी बहुत सारे पद हैं जिनकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही प्रोवाइड की गई है। 190 टोटल वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो लेवल 11, 10, 7, 6, 4 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ के लिए। बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 12th पास अलग अलग पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 40 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है और 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। डेली जॉब लोकेशन में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑल कैटेगरी के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। फीमेल कैंडिडेट जो एससी एसटी के हैं उनको इस पर आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। यहाँ पर ऑनलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन शुल्क जमा करा सकते हो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। DDA.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बात अगर डेट की जाए, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 23 दिसंबर 2018 थी ऑनलाइन करने की और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2019। फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 जनवरी 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट और 6th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में। डिप्टी इंजीनियर के लिए यहाँ पर 139 पद खाली है। 35,400 से 112,400 लेवल 8 के अंतर्गत सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹350 फीस है। ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹250 है। एससी एसटी वोमेन और पीएच के लिए ₹200 है। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। cgvyapam.choice.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल से आप सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 दिसंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 जनवरी 2019 है। एग्जाम डेट भी इसकी डिक्लेयर हो चुकी है, 3 फरवरी 2019 को एग्जाम होगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी इन टॉप 6 भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जिस भर्ती पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है
उसी के नीचे आपको ऑफलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इस पर ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स की बिग अपडेट अपलोड करते हैं। डेली हम न्यू अपडेट इस पर अपलोड करते हैं।